ओम शांति। आज की शिक्षा प्रतानी का शीर्षक है सच्ची खुशी प्राप्त करने की विधि। एक अमीर व्यक्ति था, वो अपने छोटे बच्चे को लेकर अंगुली से हाथ पकड़कर नदी के किनारे सैर करने निकला। जब नदी किनारे से गुजर रहे थे तो बच्चे का ध्यान नदी के अंदर जो मछलियां तैर रही थी उस पर गया। वो आते जाते मछलियों को देख रहा था, आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था, इंजॉय कर रहा था। थोड़ा दूर जाने के बाद बच्चे ने देखा कि एक मछली नदी से बाहर आई हुई थी, किनारे पर थी और तड़प रही थी। बच्चे ने तुरंत मछली के आगे जाकर उसको जब तड़पता हुआ देखा तो अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि मछली को बहुत भूख लगी है, तो अपन है ना उनको 5-स्टार होटल में ले जाते हैं और अच्छी तरह उनको खिलाते हैं। पिताजी बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगे। बच्चे ने समझा मैंने ठीक नहीं कहा, फिर कहा अच्छा पिताजी, शायद इसको बहुत नींद आती है, तो अपन उनको घर में सोने के पलंग पर सुला देते हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटे, इस मछली को धन दौलत सोना चांदी से या स्वादिष्ट पकवान से खुशी नहीं होगी, आप इनको नदी में फिर से भेजो, यही उनके जीवन में खुशी की प्राप्ति है। तो बच्चे ने मछली को नदी में डाला। जैसे ही मछली नदी में पहुंची बहुत खुशी खुशी से तैरती हुई आगे बढ़ गई। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी जो भौतिक जीवन में जी रहे हैं, धन दौलत शौहरत पाकर फिर भी हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, हम संतुष्ट नहीं है, तो हम भी मछली की तरह परमात्मा जो सागर है, जब उस सागर पिता परमात्मा की याद में खो जाएंगे, समाएंगे, तैरते रहेंगे और आनंद प्रेम खुशी के लहरों में लहराते रहेंगे, तब हम भी अपने जीवन में सही प्रकार से खुशी का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।